गुड इवनिंग गाइस, सुमंथा लियोन के चैनल में आप सबका वेलकम है। आज जो है हम अपनी रेसिपी जो है मैं चाय से स्टार्ट कर रही हूँ। सॉरी टाइम नहीं मिल सका आप लोगों को, जैसे कि पता है कि मामा का जो है वो एंजियोग्राफी थी, स्टैंडला है एक, जिसकी वजह से थोड़ी आज मजबूरियत थी और मैं ऑफिस भी नहीं गई। तो जो है वो गेस्ट आ रहे हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं रिची की वजह से भी थोड़ा सा अपसेट थी, क्योंकि थोड़ा सा वो अभी वॉमिट कर रहा था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। इसलिए चलें, ये मैं चाय के जो है आपके मैं शेयर करती हूँ। ये मैंने 4 कप्स जो है वो टी रखा है। इसमें एज़ यूजल आपको पता है कि जैसे पत्ती यूज़ होती है, शुगर है और लिक्विड मिल्क है और ड्राई मिल्क भी हम यूज़ करते हैं। और वैसे तो हम अदरक भी इसमें ये जो है मैं डालूंगी, ठीक है, ये भी हम यूज़ करते हैं अदरक की। और चीनी जो है वो मैं अभी पुट नहीं करूंगी, अभी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि अकॉर्डिंग टेस्ट होती है, क्योंकि कोई लेता है कोई नहीं लेता। तो इसमें जो है मैं 1 स्पून जो है वो 2.5 स्पून जो है वो डालूंगी पत्ती के 4 कप में। और मैं जो है वो इकट्ठा ही जो है एक साथ ही सब रख देती हूँ। दूध भी जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी साथ ही। पूरा डाल देंगे, अभी मैं थोड़ा डालूँगी, एक दोबारा आता है तो इसमें दोबारा मैं ऐड करती हूँ। और एवरीडे ये साथ ही ड्राई मिल्क जो है वो ऐड कर लेते हैं, इससे फ्लेवर जो है वो थिक आता है। और एक इंग्रेडिएंट्स जो है वो टी के साथ, ये देखें चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था आधा घंटा पहले, इसमें लेमन और जस्ट जो है वो आज नमक और लाल मिर्च डालिए, आप चाहे इसमें लेमन डाल लें या विनेगर यूज़ कर लें। तो विनेगर नहीं, इस दफ़ा मैंने लेमन किया यूज़, ये टी के साथ रखेंगे। ये देखें स्लो आंच पे रखा है और इसको कवर कर दिया है। अभी जो है वो इसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है, मैंने 5 मिनट से इसको करी थी। तो ये जो है इसकी जो है वो साइड चेंज करके फिर मैं कवर कर देती हूँ, ताकि जो है दूसरी साइड से पक जाए, थोड़ा जूसी रहे, इसलिए जो है मैंने कवर करा है। ये देखें गाइस, इस तरह से मैंने अदरक छील के तो इसमें ऐड कर दिया है। अभी जो है सर्दियों के मौसम है, थोड़ा गैस लो आती है, ये साथ में मैंने चिकन भी रखा हुआ है तो इसलिए जो है इसका मैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे इसके उबाले आते हैं तो इसमें जो है वो हमारी टी जो है वो रेडी हो जाती है। ये अदरक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गाइस, और सर्दियों में अच्छा होता है, और इसको आपको ऐड करना चाहिए, आई थिंक सो। गाइस अब मामा आ गई हुई हैं घर, तो तबीयत कैसी है मामा? ठीक है, मामा थोड़ी बेहतर हैं, आज ही आई हैं। जैसे ही डन होगा फिर मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, ये जो है हमारा चिकन डन हो गया है। मैं स्टोव ऑफ कर देती हूँ और ये प्लेट में मैंने टिश्यू लगा लिया है ताकि इसमें जो है वो सारा ऑयल ऑब्जर्व हो जाए। तो मैं ये इसको बहुत एहतियात के साथ निकालूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे फ्राई चीज़ें थोड़ा ऑयल का जब मैं काम करूं केयरफुली करना पड़ता है। अच्छा, ये जो है 1 मिनट लियोन आया है तो वो गाइस हेलो करना चाह रहे हैं आपसे। मैं ये 1 by 1 करके इसको जो है वेट मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें मसाला जो है वो थोड़ा सा उसमें स्प्रेड हो गया है, चाय भी ऑलमोस्ट हमारी हो गई है, इसके बाद मैं ये निकालती हूँ। अच्छा लियोन, 1 मिनट वेट, जस्ट 2 पीसेस आर लेफ्ट एंड टेक इट आउट वेरी केयरफुली एंड ये इसको कवर कर देंगे। ये देखें, ये मैंने चिकन इसमें निकाली, ऑयल देखिए कैसे ऑब्जर्व हो गया इसमें, तो इसलिए मैंने टिश्यू लगाया है। ये लें लियोन इधर। ओह हाँ जी, हेलो गाइस, आप कैसे, आप ठीक हो? मैं
ऊंची बोलो। हेलो गाइस, मैं आपको मिलना चाहता था, मैं मम्मा को बोल रहा था मुझे भी दिखाओ, तो आपने देखा रेसिपी मम्मा की, खुशबू अच्छी आ रही है, तो गाइस आप ये टेस्ट करके लियोन दिखाएंगे, थोड़ा सा हॉट है के जी, टेस्ट बताएं कैसे, इट्स नाइस। चलें मैं चाय अब डाल लेती हूँ और फिर मुझे भी चाय। ओके जी गाइस, मेरी जो है वो टी रेडी हो गई है और इसको अब मैं कप्स में डाल दूंगी। मैंने इसमें जो है वो शुगर नहीं ऐड की क्योंकि कोई कह रहा था कि मुझे शुगर लेनी है, किसी ने नहीं लेनी थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो ऐड नहीं की। जी गाइस, टी डल चुकी है और मैंने जो है वो अपनी ये निकाली है, इसमें मैंने शुगर डाल ली है हाफ टी स्पून, बाकी जो है वो अकॉर्डिंग टेस्ट जिसने जो डालना है वो जो है वो डाल लेंगे। ठीक है, टेबल पे टी लगा दिए, अब जो है गाइस ये पिक जो है वो मैंने रिची को फीवर है तब ली थी, और यहाँ पर जो है मैं रिची को इत्तेफाक हॉस्पिटल लाई हूँ क्योंकि इसको फीवर बहुत है, और यहाँ पर जो है डॉक्टर ने इसको ब्रूफेन और ऑगमेंटम सजेस्ट की है, तो इसलिए मैं थोड़ी परेशान थी, और मैंने आपको पहले वीडियो शेयर कर दी है जो मैंने घर जब गए थे टी वगैरह जो आप लोगों से रेसिपी शेयर की है, तो उसकी पहली वीडियो ये थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ एट होम।